होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जबलपुर शहर में, जहां एक एनजीओ के कुछ युवाओं ने ट्रैफिक की समस्या को देखकर उस पर सिर्फ बातें करने रहने या उसको कोसने के बजाय एक सार्थक पहल की है और उस समस्या को हल करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। इस एनजीओ का नाम है द युवा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी और जबलपुर में इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं अमन गंगराड़े। हमने अमन गंगराड़े से बातचीत की और पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हम युवा आज इतने भाग्यशाली ना सही कि बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करें, मगर यदि शहर, देश, गांव या मोहल्ले की भी यदि कोई छोटी मोटी समस्याओं को भी हम हल कर सकें तो वो भी एक प्रकार से देश की सेवा ही है। बढ़ते ट्रैफिक और बेतरतीब वाहनों से राहगीरों को होने वाली समस्याओं से जूझता हुआ देख हम युवा एनजीओ के वॉलंटियर्स ने ठाना कि सिर्फ बजाय अपने बेडरूम में बैठकर सिर्फ ट्रैफिक प्रशासन, शासन और लोगों को इसके लिए कोसते रहने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि व्यवस्था को सकारात्मक तरीके से बदलने के प्रयास करेंगे। और टीम बढ़ती गई, कारवा चल पड़ा। ऐसी सकारात्मक पहल के लिए युवा वेलफेयर एनजीओ का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इसके सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हैं। आज के भारत देश के युवा जागरूक और बदलाव पसंद है, यही कारण है कि आज युवा पारंपरिक नौकरी करने के बजाय समाज की समस्याओं को हल करके उनका जीवन आसान भी बना रहे हैं और स्वयं भी खूब पैसे कमा रहे हैं। शहर के बेतरतीब ट्रैफिक में गुत्थम गुत्था होते वाहनों में फंसने के बाद व्यवस्था को तो हर कोई कोसता है, लेकिन क्या कभी आपने खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्था संभालने का कदम उठाया है? शायद नहीं, मगर शहर के कुछ युवाओं ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ वक्त निकाला है शहर के बिगड़ते ट्रैफिक को सुधारने के लिए। सप्ताह में 5 दिन अपने लिए और 2 दिन शहर के लिए देने वालों में शहर के युवा ट्रैफिक फोर्स ग्रुप का नाम शामिल हो चुका है। यह ग्रुप शहर का यातायात सुधारने के लिए हर शनिवार और रविवार सड़क पर उतरता है। हम युवा आज इतने भाग्यशाली ना सही कि बॉर्डर पर जाकर देश की सेवा करें, मगर यदि शहर, देश, गांव या मोहल्ले की भी यदि कोई छोटी मोटी समस्याओं को हल कर सके तो वह भी एक प्रकार से देश की सेवा ही है। बढ़ते ट्रैफिक और बेतरतीब वाहनों से राहगीरों को होने वाली समस्याओं से जूझते हुए देख हम युवा एनजीओ के वॉलंटियर्स ने ठाना है कि सिर्फ बजाय अपने घर में बैठकर सिर्फ ट्रैफिक प्रशासन और लोगों को इसके लिए कोसते रहने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि व्यवस्था को सकारात्मक तरीके से बदलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा।